पॉइंट नंबर वन है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। जिन लड़कों के पास एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, लड़कियां उनकी तरफ बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट होती हैं। ये फैक्ट है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होने का मतलब ये है कि अगर आप एक मजाकिया टाइप के हैं और आप छोटी छोटी बातों से आप ऐसे क्लू, ऐसे कीवर्ड ढूंढ निकालते हैं जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफ़ी हैं बिना किसी को ऑफेंड किए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये एक आर्ट है, ये किसी कला से कम नहीं है। तो अगर आपके अंदर ये कला है तो मतलब आपके पास गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, और अगर आपके पास ये है तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी गर्लफ्रेंड लाइफ टाइम आपसे खुश रहेंगी, उनके चेहरे पर एक हंसी रहेगी और वो कभी भी आपसे बोर नहीं होंगी। और यहाँ पे अगर आपके अंदर ये नहीं है, ज़्यादातर के अंदर ये नहीं होता है, तो वो इसको हासिल करते हैं, इस स्किल को सीख सकते हैं। और अगर आपके अंदर है तो ज़्यादा खुश मत हो जाइए, इसको और इम्प्रूव क्यों ना कर लें हम, तो उसमें लग जाइए, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट मेरा है कि एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर ये दिखाता है कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, आपका माइंडसेट कितना शार्प है, आपका दिमाग कितना अच्छे तरीके से काम करता है, ये दिखाता है। तो आपको सेंस ऑफ ह्यूमर की स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये ज़रूर हासिल करें। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा जो पॉइंट है ये बहुत स्पेशल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर टू है हाइजीन। इसके शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो इसका मतलब है साफ़ सफाई, स्वच्छता। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपकी गर्लफ्रेंड हमेशा आपके पास रहेगी और हमेशा अट्रैक्टिव लगोगे आप। अब यहाँ पे हाइजीन, ये देखिए आपने अपनी लाइफ में सबके मुँह से सुना है कि साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखो, इसका ध्यान रखा करो, बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कभी हम ये जानने की कोशिश किए हैं क्या कि ये साफ सफाई का विज्ञान क्या है, ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? तो आज मैं आपको इसका विज्ञान बताऊँगा। देखिए विज्ञान कहता है कि हर एक इंसान, विज्ञान इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जितने भी इंसान हैं सबका एक ऑरा होता है, उसके इर्द गिर्द एक चक्कर सा होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नो फील्ड होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नो फील्ड ही ये निर्धारित करता है कि आपकी छवि सामने वाले इंसान के रेटिना पर क्या बनेगी, कैसी बनेगी। मतलब क्या है कि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, खूबसूरत है, तो आप लोगों को अच्छे दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे। अगर आपका ऑरा डल है, नेगेटिव है, तो आप लोगों को हो सकता है कि बदसूरत दिखें या फिर अच्छे ना दिखें। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ऑरा ही निर्धारित करता है कि आप कैसे दिखोगे लोगों को। तो क्यों ना हम अपने ऑरा को ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमारा ऑरा फिर बनता कैसे है? तो आपका ऑरा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है इंटरनल बॉडी पार्ट्स, दूसरा है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। मतलब कि बॉडी पार्ट्स ही नहीं, इसमें जैसे इंटरनल का मतलब है कि आपके स्पिरिट, आपकी सोच, आपकी समझ, आपके मेंटेलिटी और भी चीज़ें सारी, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब आता है कि आपका एनवायरनमेंट और आपकी बॉडी। तो अगर आप अपनी बॉडी को क्लीन नहीं रखते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपका ऑरा खूबसूरत होगा? कैसे होगा? क्योंकि आपकी वेव फ्रिक्वेंसियाँ यहीं से होके तो पास आउट होती हैं। तो आपको अपने ओवरऑल पूरी बॉडी को क्लीन रखना है। ये मत सोचो कि जो पार्ट्स विजिबल है, जो दिख रहा है लोगों को, जो दिखाना है वही क्लीन रखें। मतलब चेहरे लोग देखते हैं तो बस चेहरे पे क्रीम पोत लिया, बस हो गया आपका काम। नहीं, आपको ओवरऑल पूरी बॉडी को जब तक आप क्लीन नहीं रखेंगे आपका ऑरा कभी भी खूबसूरत नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे स्पेशली एक अलग पॉइंट के रूप में रखकर बता दिया। तो हाइजीन पे स्पेशली फोकस करिए, आज मैंने इसका आपको साइंस बताया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की। पॉइंट नंबर थर्ड जो है वो है पॉपुलैरिटी। अब इससे डरिए नहीं, पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप शाहरुख खान, सलमान खान बन जाओ। पॉपुलैरिटी का मतलब इतना है, इसका सेंस मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, आप चार पाँच फ्रेंड्स का आपका एक ग्रुप है, तो आप उनमें नंबर वन हो क्या? क्या आप उनमें सबसे अलग हो, यूनिक हो, स्पेशल हो, आपके बारे में चर्चे होते हैं? तो ये बस इतना ही आप ध्यान रखो, आप जहाँ पे हो वहाँ पे नंबर वन बनने की कोशिश करो, वहाँ पे एक अलग आइडेंटिटी खुद की बनाओ और वहाँ पे आप पॉपुलैरिटी गेन करो। ऐसा नहीं कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही लॉट्स ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करता है और ये सब ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको पॉपुलैरिटी का सेंस समझना ज़रूरी है कि आप जिस गांव में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, जिस फैमिली में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो,
वहाँ पे एटलीस्ट खुद को अलग इस्टेब्लिश करो। और ये अलग कैसे करोगे, आप अपने काम से, अपने एक्टिविटी से, अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से और अपने सक्सेस से। तो इस तरीके से खुद को अलग इस्टेब्लिश करो। तो जो ऐसे होते हैं, पॉपुलर होते हैं, लड़कियाँ उनकी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होती हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 आपको ज़बरदस्त फैक्ट दिए हैं, इनका आप ध्यान रखें और इस पे काम करें, और अगर कर रहे हैं तो आपको एक हेडसअप है, ठीक है। तो वीडियो अगर कहीं भी अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको लिखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप डायरेक्टली मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।